मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला SRG मुरादाबाद। आज बच्चों हम जानेंगे त्रिभुज कैसे कहते हैं और त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। त्रिभुज क्या होते हैं? किन्हीं भी तीन रेखाखंडों से बंद आकृति। अब हम सीख के रूप में हमने तीन रेखाखंड ले लिए हैं और इनसे बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये क्या है, तीन रेखाखंड से बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। अब भुजाओं के हिसाब से, ये इसकी भुजाएं हैं 1, 2, 3, इन भुजाओं के हिसाब से ये त्रिभुज तीन प्रकार के हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? एक हमने तीन बच्चों का समूह बनाया, सचिन, राजू और मीना, राजू और सचिन का। तो मीना, इसमें क्या बात हो सकती है कि हम तीनों की भुजाएं कैसी हों? बराबर हो। कैसी हों? बराबर। देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं और उससे अगर एक त्रिभुज बनता है तो वो त्रिभुज हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सम माने समान, बाहु माने भुजाएं। अब दूसरी बात, मीना क्या हो सकती है? सर ऐसा भी हो सकता है कि हम दो लोगों की भुजाएं तो बराबर हों लेकिन जो तीसरा हमारा साथी है उसकी भुजा हमसे बड़ी हो। देख सकते हैं आप, अगर दो भुजाएं समान हों तो उस स्थिति में जो त्रिभुज हमारा बनेगा वो त्रिभुज हमारा कहलाएगा, कैसा कहलाएगा? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर वो त्रिभुज, देखिए जिसमें दो भुजाएं तो समान है, एक भुजा अलग है, तो ऐसा त्रिभुज हमारा कहलाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब मीना तीसरी बात क्या हो सकती है? सर तीसरी बात ये हो सकती है कि हम तीनों की भुजाएं अलग अलग हो। देख सकते हैं आप, इन तीनों को अलग 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 भुजाएं मिलें तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में भी एक त्रिभुज बनना है, लेकिन वो त्रिभुज कैसा होगा? क्योंकि इस त्रिभुज में अगर हम भुजाओं के हिसाब से हम देख रहे हैं, अभी हम कोणों की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ भुजाओं के हिसाब से चल रहे हैं, तो इस वाले त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो इसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। तो जिसकी तीनों भुजाएं समान है समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान है उसे समद्विबाहु त्रिभुज, और जिसकी तीनों भुजाएं समान नहीं है उसे हम कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। अब हम कोणों के हिसाब से बात करते हैं। कोणों के हिसाब से भी भुजाओं के हिसाब से तीन प्रकार का हो गया, देख सकते हैं आप, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोणों के आधार पर भी तीन प्रकार का होता है। तीन प्रकार का कैसे होता है? अगर देखिए, हम देख सकते हैं कि कोई भी अगर त्रिभुज है उसके तीन शीर्ष होते हैं, ABC हमने त्रिभुज मान लिया और ये इनके तीन ही कोण होते हैं। अगर कोई भी कोण इसके तीनों, जब तीनों कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोण का मतलब होता है कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम है बच्चों, तो ऐसी स्थिति में, और कोण का मतलब क्या होता है? दो रेखाखंडों, दो भुजाओं के बीच का झुकाव, तो इस स्थिति में इसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब दूसरी कंडीशन क्या आती है? अगर अब यहां भुजाओं की बात नहीं हो रही है, यहां बात किसकी चल रही है? कोणों की। अगर एक स्थिति यह भी आ सकती है कि अगर एक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, और 90 डिग्री को हम जानते हैं क्या कहते हैं? समकोण। क्या कहते हैं बच्चों? समकोण। अगर एक भी हमारा कोण 90 डिग्री का है तो उसे हम क्या कहेंगे? देखिए, उसे कहेंगे हम समकोण त्रिभुज। यानी तीनों कोण अगर 90 से कम है न्यून कोण त्रिभुज, एक कोण अगर 90 डिग्री है तो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। अब तीसरी कंडीशन क्या आ सकती है कि कोई सा एक कोण उस त्रिभुज का क्या हो सकता है? 90 से ज़्यादा हो सकता है। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज हमने बनाया है और इस त्रिभुज के अंदर ये जो कोण आया है हमारा, ये 90 से ज़्यादा है। क्या बच्चों इसे आप नाप के देखना चाहेंगे? चलिए इसको नाप के हम देखते हैं। ये करीब 130 डिग्री है। जब ये 130 डिग्री है यानी कि ये कितना है? 90 से ज़्यादा। और जब एक कोण भी 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इस प्रकार से हमने जाना कि भुजाओं के हिसाब से तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ऐसे ही कोणों के आधार पर तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। और ये काम आज को आपको हमने दिया है, इस काम के माध्यम से आप बच्चे इसे काम को करेंगे भी। तो मीना, राजू, सचिन और सौरभ,
क्या आप इसको समझ पाए? जी सर, हम इसे बहुत अच्छे से सीख पाए हैं और हम इस सीखों के माध्यम से खेल खेल में इन कोणों को बनाकर भी देखेंगे। मैं डॉक्टर सचिन शुक्ला, धन्यवाद।